आपको ये लगता है कि अगर ये बातचीत का मामला हल नहीं होता और प्रेजेंट साहब केपी डिसॉल्व हो जाती है, पंजाब डिसॉल्व हो जाती है, एक और हिजानी कैफियत है, एक एमक्यूएम जा रहा है, तो जाना तो जनरल इलेक्शंस की तरफ ही पड़ेगा। अगर ये नहीं मानते, कोई ना कोई रुकावटें पैदा करते हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट से कैसे ताल्लुकात हैं इस वक्त, मैं ये पूछना चाहूंगी। एस्टैब्लिशमेंट के नहीं, मुझे देखिए एस्टैब्लिशमेंट तो कह रही है, ऑपोजिशन जमात, देखिए एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि वो सियासत से दूर होना चाहती है, ठीक है, आई टेक देयर वर्ड फॉर इट एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, बट एट द सेम टाइम इदारिये ये मुसलसल लिख रहे हैं, कल आज के डॉन ने लिखा, फिर कहीं और लिखा, और इन इदारियों ने क्या, ये जो कमेंटेटर्स हैं ये क्या लिख रहे हैं, मैं सिर्फ वो कोट कर रहा हूँ, माई ओपिनियन इज़ नॉट देयर येट इन योर इंटरव्यू, इदारिये ये कोट कर रहे हैं कि जी ये जो मिसाल के तौर पर डॉन ने ये लिखा कि ये जो यहाँ जोड़ने की सियासत हो रही है कराची में, उसके पीछे रावलपिंडी है, अच्छा एहतियात कर रहे हैं वो क्या दो दिन पहले उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो भी उसके पीछे, अच्छा अब ये जनरल परसेप्शन है ना, तो मैं समझता हूँ, मैं अपने इदारों से भी ये कहता हूँ कि आपका एक कमिटमेंट है जो आपने पब्लिकली किया है, उस कमिटमेंट के हवाले से आपके एक्शंस के अंदर नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा लॉन्ग टेन्योर है इस बात का कि इंटरफेरेंस ऑफ दी एस्टैब्लिशमेंट इन पॉलिटिक्स, और ये एस्टैब्लिशमेंट ने एक्सेप्ट करके कहा भाई 30 साल 31 साल तो एक्चुअल रहे ना, अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि जी पीटीआई को लाने में भी हमने मदद की, 3-4 साल उसके लगा दीजिए, फिर आईजीआई की के अंदर अजहर खान साहब ने खुद कोर्ट में गए कि जी ये आईजीआई की जो बनाई थी उसके अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल था, तो ये 36 साल के तकरीबन की कहानी है, तो उसके अंदर इट इज़ अ वेरी गुड थिंग के एस्टैब्लिशमेंट टुडे इंटेंड्स टू गेट आउट, इट मे टेक टाइम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। 2022 मॉनसून को भी देख लिया पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।